एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। अभी मैं किचन में आई हूँ, मैंने अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होगा तब तक मैं ये सारे बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी इन बर्तनों को लगा दूँगी फिर सब उठ जाएंगे, तो चाय के दूध के जो बर्तन साफ़ होंगे वो वापस से रैंक में लग जाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर से पानी टपक के और ये वाले बर्तन भी गीले हो जाते हैं, तो सूख चुके हैं तो इनको मैं सेट कर देती हूँ। और अभी तो काफ़ी टाइम है, इतनी जल्दी तो सुबह सुबह कोई काम शुरू नहीं होता है, तो अभी तो गर्म पानी पीऊँगी और मैं बैठ के अपना नीटिंग का काम करूँगी। और नीटिंग का काम करने के बाद साफ़ सफाई करके और फिर अभी तो आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, सीधा पहले नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ठंड उतर जाती है, जब तक नहीं नहाते हैं ठंड ज़्यादा लगती है। तो अभी तो मैं बैठ के बुनाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ये भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, और अभी 1.5 घंटा 2 घंटे तक बुनाई का काम करूँगी, फिर अपना साफ़ सफाई का काम करने के बाद नहा लूँगी, तब तक खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए, पानी गर्म हो गया है, बैठ कर पी लेते हैं और नीटिंग कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, और जितने ऊनी कपड़े थे ये सब तो मैंने धोकर सुखा दिए हैं, और बाकी के जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं वो मैंने नहीं धोए हैं, क्योंकि ये सारे तो हाथ से धोने के थे और उनके लिए मशीन लगानी पड़ती, और एक तो आज सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी, तो ये तो अभी मैं नहाने के लिए गई थी तो साथ में ईजी बाल्टी वगैरह सब बाथरूम में लेके चली गई थी। नहाने से पहले ही मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और अब मशीन में ड्राई करके सुखा दिए हैं। वैसे बारिश आने के बाद भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, कभी कभी धूप निकल आती है, कभी वापस चली जाती है, और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो ये है कि मशीन में ड्राई करने के बाद अब ये सूख जाएंगे। और अभी मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाने की तैयारी करूंगी, लेकिन सबसे पहले 1 कप चाय बनाकर पीऊंगी। चाय एक बार मैंने सुबह पी ली थी 8 बजे, लेकिन अब दोबारा से मन हो गया कि चाय पी लूँ, तो चलिए चाय बनाकर पी लेते हैं। ये तो गए हुए हैं बाहर, वरना इनके लिए भी बना देती, और वैसे ये तो चाय एक टाइम ही पीना पसंद करते हैं, दोबारा तो मुझे ही हैबिट हो गई है कि काम करके और खाना बनाने से पहले एक बार फिर से पी लेती हूँ। और एक आदमी का फ़ोन आया था जो कि ये सोनीपत में ही रहता है, उसने बताया था, और जब मैं पानीपत में थी तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बवासीर की दवाई के लिए, तो उस वीडियो पर उन्होंने कमेंट्स किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस दवाई की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पौधे की मुझे पहचान नहीं हो रही है, तो क्या आप अपना फ़ोन नंबर दे दोगे तो मैं दवाई आपके वहाँ से आकर ले लूँगा। तो मैंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया था कि मैं सोनीपत से ही हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दे दिया था, और आज सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि मैं सोनीपत से ही हूँ और आप मुझे दवाई दे दीजिए। तो ये उसका फ़ोन आने के बाद चले गए थे कि इस पौधे से पत्तियां तोड़ के उसको दे देता हूँ, घर में खुद ही कूट के बना लेंगे। और ये पौधे तो हर जगह होते हैं, खरेटी का पौधा होता है, और शायद हो सकता है कहीं और इस पौधे को किसी और नाम से जानते होंगे, लेकिन इससे बवासीर बिल्कुल जड़ से ख़त्म होती है। तो अगर किसी को भी मतलब बवासीर है, प्रॉब्लम है, तो मेरी उस वीडियो को देख लीजिए, शायद उस पौधे की आपको पहचान हो जाए। मैंने वीडियो में प्रॉपर पौधा भी दिखाया है, फूल पत्तियां उसकी सब दिखाई हुई हैं, और बिल्कुल फ्री की दवाई होती है, वरना तो लोग दवाइयां खा खा के हद से ज़्यादा परेशान हो गई हैं, ये बीमारी ठीक नहीं होती है। और इस दवाई से तो 1 वीक में ही आदमी आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है, और 1 महीने में तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो वो तो उसको दवाई देने के लिए चले गए थे, क्योंकि हमें तो ये होता है कि हमारा कौन सा इसमें कोई पैसा लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, जिस किसी का भला हो जाए वही अच्छा है, और यहाँ कोई आसपास हो तो ये है कि भाई चलो हम उसको दे भी देंगे, यहाँ तो बहुत सारे पौधे हैं चारों तरफ सोसाइटी के पीछे, ये खाली प्लाट जो पड़े हैं इनमें बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, तो वहीं से उसको पत्तियाँ वगैरह तोड़ के वो दे देंगे, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अभी तो किचन में चलते हैं, सबसे पहले चाय बनाकर पियेंगे
और आज सुबह के खाने में सब्जी नहीं बनाऊंगी, मेथी की रोटी, दही और साथ में मक्खन, आम का अचार, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी खा खा के ऊब जाते हैं। कभी कभी तो मन ही नहीं करता है कि सब्जी रोटी खाएं, और आज मन ही नहीं है कि सब्जी बनाएं, तो मेथी की रोटी बनाऊंगी। मेथी की रोटी बनाते टाइम क्या क्या डालती हूँ वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी फटाफट किचन में चलते हैं और चाय बनाकर पी लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है और चाय बनेगी, तब तक साथ के साथ मैं मेथी को धो के रख दूंगी और लहसुन को छील के रख दूंगी, तब तक मेरी चाय भी बनके तैयार हो जाएगी। तो इधर मैंने मेथी को धो के और बास्केट में डाल दिया है, लहसुन भी छील दिया है, तब तक मेरी इधर चाय भी उबल के तैयार हो गई है। तो अभी चाय को छान लेती हूँ, तो पहले चाय पी लेती हूँ और फिर मैं मेथी को मिक्सी में पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, चाय बनाकर पी ली है, लेकिन बालों में कंघी अभी भी नहीं की है। सोचा कि सब काम कंप्लीट करके और बाद में आराम से कर लूँगी, और वैसे भी खाना बनाने का टाइम हो गया है, सबको भूख लगी हुई है, तो सब्जी तो आज बनानी नहीं है, वरना सब्जी बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेथी की रोटी बनानी है तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो मेथी को मैंने धो के और इस तरह से बास्केट में डाल दिया था, पानी बिल्कुल अच्छे से निचड़ गया है, और इसके लिए मैंने ये देखिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक को मैंने ऊपर से बिल्कुल छील दिया है, 6-7 कलियाँ लहसुन की ली हैं, और 4-5 चम्मच मैंने इस तरह से ये साबुत धनिया लिया है। वैसे आप इसमें जो धनिए का पाउडर होता है वो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। जब हम मेथी को पीसते टाइम साबुत धनिया डालते हैं तो इससे रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आप कभी ट्राई करके देखना। और मैं इसमें पहले तो हरी मिर्च भी डालती थी, लेकिन जब से अनुज को मिर्च से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है तब से मैंने मिर्च डालना बंद कर दी है, क्योंकि अब 2 रोटी का आटा अलग से लगाऊंगी, फिर बाकी का अलग से लगाऊंगी, तो इसलिए इसके साथ साथ हमने भी मेथी की रोटी जब बनाती हूँ तो मिर्चें डालना छोड़ दी हैं, क्योंकि देखिए मिर्च इतनी ज़रूरी भी नहीं है, बच्चे की सेहत ज़रूरी है, इसको जैसे ही मिर्च का खाना खाता है पूरा शरीर जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए सब्जी भी मैं तो अब बिना मिर्च की बनाती हूँ, बाद में मन करता है तो किसी सब्जी में डाल देती हूँ, किसी में नहीं भी डालती हूँ, दोनों तरह से रख लेती हूँ। तो चलिए अब इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। पहले मेरे पास ये वाली मिक्सी नहीं थी, ये सुजाता की मिक्सी है, इसमें जल्दी से काम हो जाता है। मेरी पहले वाली थी वो ढंग से काम नहीं करती थी, तो मैं कुंडी सोटे का इस्तेमाल करती थी, तो कुंडी में कूट लेती थी इन चीज़ों को, काफ़ी टाइम लगता था कुंडी में कूटने में, तो लेकिन अब तो इस मिक्सी में डालती हूँ और फटाफट काम हो जाता है। तो धनिया, लहसुन, अदरक और ये सारी मेथी मैं इसमें डाल दूंगी, ज़्यादा लगेगी तो 2 बार करके पीस लेते हैं और कम लगती है तो 1 बार में ही, तो आज मेथी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 बार में करके ही आएगी। और इसको पीसते टाइम इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इससे मेथी जल्दी से पिस जाएगी। और एक बार मैंने पहले भी दिखाया था कि मेथी को मैं मिक्सी में पीस के डाल देती हूँ, तो एक बहन ने कमेंट किया था कि ऐसे तो मेथी की रोटी कड़वी लगेंगे, तो फ्रेंड्स मेथी की रोटी कभी भी कड़वी नहीं लगती हैं, मेथी कड़वी नहीं होती है, मेथी का स्वाद अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए मेथी बहुत अच्छी होती है। और इसको पीस के आप चाहे इसको काट के डाल लीजिए या कूट के डाल लीजिए या पीस के डाल लीजिए, चीज़ तो एक ही है, ये है इसमें काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अभी सारी मेथी को पीस लेती हूँ और ये ज़्यादा नहीं इसको बारीक करती हूँ, थोड़ा सा ही चलाऊँगी तो ये मोटी पतली हो जाएगी, एकदम से दरदरी सी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा महीन पाउडर बना के क्या करना है। और इसको फिर आटे में डाल के आटा लगा लूँगी और फिर बनाऊँगी रोटी। तो अभी इसको पीस लेती हूँ और फिर फटाफट रोटी बना के साथ गर्मा गर्म रोटी डाल के दे दूँगी, क्योंकि मेथी की रोटी है और अचार नींबू का भी है, आम का भी है, हरी मिर्च का भी है, जिसको जो खाना पसंद होगा वो खा लेंगे। वैसे ज़्यादातर मेथी की रोटी के साथ सबको आम का अचार खाना ही पसंद है। तो चलिए इसको पीस लेती हूँ और फिर रोटी बनाएंगे।
एंड से मेथी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। और नमक वैसे आजकल सबके बीपी बहुत हाई हो रहे हैं, तो जो टाटा का नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक होता है, वो नहीं खाना चाहिए। ये जो पिंक साल्ट होता है, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, ये खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनको खासकर बीपी की प्रॉब्लम है, उनको तो वाइट नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उनको तो छोड़ देना चाहिए, उनको ये पिंक वाला नमक खाना चाहिए। तो अब डाल दिया मैंने इसमें नमक, और पानी मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि ठंड ज़्यादा है और आटा एकदम से ऐड सा जाता है ज़्यादा ठंडे पानी में, तो हल्का सा गुनगुना कर लिया जैसे ताज़ा पानी होता है। तो इसको हिला के अब इसी में डाल दूंगी, और मैं अभी लगा लेती हूँ फटाफट आटा। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप मेरे मायके से आई हुई है, तो सोचा अपने मायके वालों से आप सबको मिलवा देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर सोफे पर मेरी माँ बैठी हुई है, एक साइड पे मेरी भाभी है और दूसरे साइड पर भाभी की जो बहन मेरी भाभी लगती है वो भी वो है, और बाकी जैसे पड़ोस से कुछ लेडीज आई हुई हैं। नए साल पर केक काटा था तो भतीज बहू ने मेरे पास ये वीडियो क्लिप भेजी थी। तो ये देखिए, मेरी माँ के हाथों से केक कटवाया है लेकिन मेरी माँ केक खाती नहीं है। तो आप सब भी मेरे परिवार से मिल लीजिए, और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ, और सबसे पहले वाली दो रोटी तो मैंने मीठा रख के गाय माता के लिए निकाल दी हैं, और अब पहले वाली दो रोटी बना के डाल के और विशाल को दे दूंगी, तो अपनी दादी को दे आएगा। और वैसे भी कभी कभी सब्जी खाने का मन ना हो तो इस तरह से मेथी की रोटी, दही और साथ में अचार हो तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या सब्जी बनाए, सब्जियां खा खा के भी ऊब जाते हैं। तो कभी कभी इस तरह से गर्मा गर्म रोटी बना के दही लस्सी के साथ खानी चाहिए। और इनकी दादी जी को तो रोटी डाल के दे दी हैं, और ये भी एक एक करके तीनों पापा बेटा आ गए हैं, क्योंकि उसी की रोटी वहाँ पर भेजनी होती है। ये तो तीनों पापा बेटा ही किचन में आ जाते हैं और अपनी अपनी रोटी खुद डलवा के ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सब भी आ जाइए, गर्मा गर्म मेथी की रोटी है, साथ में दही है, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, जो चाहे आप ले लीजिए और खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी, जय श्री राधे, राधे राधे।